नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। तो इस टाइम मैं शेरी में खड़ा हूं और शेरी का आप ये पुल देख रहे होंगे। तो इस टाइम एक्समैन मेरे साथ है, इनसे मैं नाम जानने की कोशिश करूंगा कि और ये भी कुछ बताना चाहेंगे यहां पर जो द्वार को लेकर ये बात करना चाहते हैं। तो जी सर, पहले आपका नाम जानने की कोशिश। मेरा नाम एक्स हवलदार कश्मीर सिंह, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ और ये मेरी ज़मीन है। खसरा नंबर 143 में है ये जो रोड मेरे के लिए निकला है उसका है। लेकिन जब ये रोड की इसकी कटिंग कर रहे थे और ये दीवार दे रहे थे, मैंने जेई साहब को भी और यहाँ के जो मज़दूर थे और उनको सबको बताया कि ये रोड जो अपने इसमें रोड लगा रहे हैं और ये बेंडिंग कर रहे हैं, ये बिस्टवाल दे रहे हो तो ये गलत लगा रहे हो आप इतना इसमें डिस्टेंस देर से मोड़ रखें, गाड़ी निकालनी मुश्किल हो रही है। जो आगे मेरी जो कैमरामैन को बताइए कि आगे ज़मीन दिखाइए कि ये भी डिस्टमेंटल हो गई है और जो पीछे है पीछे भी जब कटी गई है ज़मीन, इसका क्या मतलब सर? एक साइड से नुकसान हम बर्दाश्त कर सकें, दोनों साइड से नुकसान करना जो है ना बहुत मुश्किल है, नहीं करते। हमारे पास इतनी ज़मीन बची हुई है, ये भी अगर इसमें गई तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते थे कि हमें कैमरामैन को बता दीजिए कि वो जो दीवार का जो किनारा है अगर वहाँ से अगर डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन अगर यहाँ से यहाँ आ जाती तो गाड़ी पीछे हमारी पीछे ज़मीन बच जाती। अगर ये डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में अगर बिस्टवाल दी होती तो अभी ये भी हमारी ज़मीन ये भी ख़राब हो गई और पीछे से डोजर मशीन लगाकर वो भी ख़राब कर दी। अभी हम जाएं तो जाएंगे कहाँ का, इतनी ज़मीन हमारे पास पड़ी हुई टोटल दो कनाल ज़मीन है हमारी, इसमें से भी अभी काटी, अभी मुआवजा का नाम ही नहीं। अभी इतना 80,000 रुपये मिला इसका टोटल हमें, अभी बाकी अभी कितना का ज़मीन उससे ज़्यादा कटी है। आगे तकरीबन आगे अगर कैमरामैन को बता दीजिए कि अगर आगे आगे वाला इलाका देख ली तो जो नाले का जो पानी आता था ऊपर का तो उस साइड से पानी वो कटिंग की है और मलबा जो है ना वो नाले में आ गया, जिस वजह से नाले का वो पानी जो है ना इस रोड में आ रहा है। लिहाजा जिन जो ठेकेदार हैं यहाँ के या जेई हैं उनको बता दीजिए कि वो यहाँ पर कलवट डालें और तुरंत ये कल, नहीं तो रोड का बुरा हाल हो जाएगा और हमारा जो पुल है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी डिसमेंटल हो जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और उन ठेकेदारों से या PWD वालों को यही बोलना चाहते हैं कि रोड को तुरंत कंप्लीट कर दिए, जो आगे पीछे इसकी जो दीवारें हैं उनको दे दीजिए, नहीं तो हमारी ज़मीन सारी नीचे गिर जाएगी। थैंक यू सर। इस टाइम एक बुज़ुर्ग जो मेरे साथ बात करने की कोशिश करेंगे और ये अभी हमने दिखाया कि ये पुल को जो रोडें हैं इस पुल की वो कैसे पकड़ कर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, इनका नाम जानने की कोशिश करूँगा और ये यहाँ से बताएँगे कि इस पुल को देखकर इनको कितनी दिक्कत आती है। तो जी सर, पहले आपका नाम जानने की कोशिश करें। निज़ामुद्दीन जनाब जी, निज़ामुद्दीन लोन प्रोवा। हाँ जनाब, ऐसे पुल पर मैं सिक्कर बड़ी दिक्कतें असं दस यार नहीं कोई अगर कमाए कोई मैं एक मौके से तो बड़ी अच्छी गल है क्योंकि सिक्करी में या बारिश में असन अस फिर मैं क्रॉस नहीं बेच सकूँ, बस बड़ी मुश्किल बस इतनी मेरी गुजारिश है।